नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में 24 जुलाई को 54,200 की कॉल ली थी। अब मुझे कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैंने इसके बारे में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी फिफ्टी हो गया, इनकी इन पर जो ट्रेडिंग होती है इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। बस यूट्यूब पर देखा और मैं यहाँ पर पैसे लगा दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या कुछ कर रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोजीशन डिटेल में आप देख सकते हैं कि मैंने क्वांटिटी एक लॉट मैंने यहाँ पर ख़रीदा था, 15 का एक लॉट होता है और एवरेज प्राइस 17 का था। टोटल बाय वैल्यू थी 255 रुपये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि अभी मेरे को 242 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अभी मार्केट प्राइस देखेंगे तो 85 पैसा चल रहा है। अगर आप लोगों को, आप लोग भी अगर मेरी तरह बिगनर हो, आप लोगों को अगर पता नहीं है मार्केट के बारे में कि मार्केट कब नीचे जाता है और कब ऊपर जाता है, कैंडल कैसे बनती हैं, कैंडल का क्या हिसाब होता है, जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाएं तब तक आप यहाँ पर अपना लॉस ना करें। और सबसे बेटर मैं आपके लिए यही बोलना चाहूँगा कि सबसे बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप लोग ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंगों से दूर ही रहें। अगर आपको ज्ञान नहीं है पहले इसके बारे में सीखें, बहुत ज़्यादा गहराई से सीखना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पर सीख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये मार्केट प्राइस 1 रुपये चला गया था, अभी 95 पैसे, फिर 1 रुपये। अभी मेरे को कोई पता नहीं है यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 17 के प्राइस में जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और मुझे लगता नहीं है कि ये अभी 17 के प्राइस तक जा पाएगा जहाँ तक इसकी कंडीशन मेरे को दिख रही है। क्योंकि इसने जो रेड कैंडल है बहुत नीचे लंबी बना रखी है और अभी ये हरी कैंडल ऊपर की तरफ बना रहा है, लेकिन किसी भी कीमत में शायद ये नहीं जा पाएगा जहाँ तक कि मैंने कॉल ले रखी है। कॉल मैंने ले रखी है, अभी आपको बताया था कि कॉल ले रखी है 54,200 पे और अभी ये चल रहा है 51,504, 512, 513, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ तक जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऊपर जाना पड़ेगा, तो मुझे तो लगता नहीं है भाई कि यहाँ तक जा पाएगा। आपकी क्या राय है इस वाली ऑप्शन ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूँ? आपको अगर ठीक ठाक हो इसमें, आप पहले लगाते हो पैसे, तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि मैंने क्या गलत किया यहाँ पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, स्टॉक के बारे में बताता रहता हूँ शेयर मार्केट में, लेकिन इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर बताना। धन्यवाद।